गाइस विल्ट्यूब के इस वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं बताने वाले हूँ आपको सोशल शेयरिंग का लिंक कैसे डालें वेबसाइट पर, और इसका डेमो बताता हूँ कि बेसिकली हम लोग क्या बिल्ड करने वाले हैं। बहुत बार आप अपनी वेबसाइट में देखे होंगे या किसी न्यूज चैनल की वेबसाइट में देखे होंगे या किसी भी अदर वेबसाइट जहाँ पे ब्लॉग वगैरह हो, तो इस तरह का कुछ सोशल शेयरिंग आइकन्स या सोशल शेयरिंग लिंक्स आते हैं जिन पे क्लिक करके आप उस पेज के बारे में या उस पोस्ट के बारे में उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं फेसबुक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे फेसबुक खुल जाएगा, और अगर मैं ट्विटर पे क्लिक करता हूँ या इवन व्हाट्सएप पे क्लिक करता हूँ तो व्हाट्सएप पे शेयर होने वाला ये खुल जाएगा। अभी मैं डेस्कटॉप पे हूँ इसलिए डेस्कटॉप वाला व्हाट्सएप लिंक इसने खोल दिया है। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे ट्विटर भी खुल गया है, इसके थ्रू मैं ट्विटर पे भी शेयर कर सकता हूँ अपने पेज के लिंक्स को, और यहाँ फेसबुक पे भी खुल गया है। तो इस तरह से ये है कि जैसे ही मैं यहाँ पे फेसबुक पे मैं लाइक करना चाहता हूँ तो वो फेसबुक पे लाइक पेज पेज आ जाएगा और यहाँ पे शेयर का भी आ जाएगा, है ना। तो ये इस तरह के सोशल शेयरिंग आइकन्स को अपने वेबसाइट में कैसे लगाते हैं, और इन सोशल शेयरिंग का आइकन का यूज करके, जैसे अगर मैं ट्विटर आइकन पे क्लिक करता हूँ तो ये ट्विटर खुल जा रहा है और मैं अपना कुछ भी पोस्ट यहाँ से मैं शेयर कर सकता हूँ या फिर ट्वीट कर सकता हूँ। और उसी तरह अगर मैं फेसबुक पे क्लिक करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे फेसबुक वाले आइकन पे क्लिक कर देता हूँ तो ये फेसबुक का वेबसाइट खुल के और ये मेरा जो लिंक है वो शेयर हो जाएगा। ये प्लगइन जो है बहुत हेल्पफुल होती है, खासकर अगर आप ब्लॉग बनाते हो या कोई इम्पोर्टेंट पोस्ट डालते हो या कोई भी इम्पोर्टेंट वेबसाइट बनाते हो तो वहां पे ये प्लगइन काफी ज्यादा यूजफुल होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि कैसे बनाया जाए। तो ये जेएस सोशल्स करके प्लगइन है, इसकी मेन वेबसाइट ये है जेएस सोशल, मैं लिंक भी डाल दूंगा। और इसको स्टार्ट यूजिंग करने के लिए इन्होंने क्या बताया हुआ है कि पहले तो बोअर से आपको इंस्टॉल करना है, जो कि हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट इसका डाउनलोड कर लेंगे। इसका मैंने ये डाउनलोड कर लिया है इसकी फाइल, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने ये बोला है कि पहले तो आप कैसे कैसे यूज करना है, कि पहले ये जेएस सोशल का जो सीएसएस फाइल होगा उसको लिंक करना है, फिर फॉन्ट ऑसम जो है सीएसएस उसको लिंक करना है, फिर जेक्वेरी को लिंक करना है, और जिस पे भी जिस एलिमेंट पे भी आप जेएस सोशल करके डालेंगे वो, जैसे अब मैंने यहाँ पे ट्विटर डाला तो ट्विटर का वहां पे आइकन आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने फाइल डाउनलोड कर लिया है, इसको एक बार मैं खोलता हूँ, इसको मैं यहाँ पे मैंने खोल दिया जेएस सोशल को, ठीक है। और इसके अंदर पूरा का पूरा दिया हुआ है, तो मैं सोर्स वाले डायरेक्टरी में जाऊंगा, ठीक है। ये दो जेएस फाइल्स हैं और डिस्ट्रीब्यूशन में भी है वो दोनों, एक जेएस जावास्क्रिप्ट फाइल्स है और ये बाकी सारे ये सब फाइल्स। एक काम करता हूँ मैं इसको सारे को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं कहाँ पे मेरा जो जो फोल्डर है, यहाँ पे मैंने विजुअल स्टूडियो खोल लिया है और इसके अंदर जो फोल्डर है वहीं पे मैं पेस्ट करूंगा। तो ये मेरा टेबल टू एक्सेल करके जो है वो फोल्डर है, उसमें मैं पेस्ट कर दूंगा ये यहाँ पे। आप अपने सी पैनल में या फिर जहाँ पे भी आप अपनी वेबसाइट बनाओ वहां पे ये पेस्ट कर देना, ठीक है। अब ये बंदा बोल रहा है कि सबसे पहले जेएस सोशल, एक बार इसका जो वो है मैं जो लिंक का डमी दिया हुआ है वो मैं यूज कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कॉपी किया और मैंने लाइव सर्वर भी चला रखा है, तो यहाँ पे मैं साथ साथ खोल लेता हूँ प्रीव्यू यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि ये जो लिंक है ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये लिंक है तो फॉन्ट ऑसम का लिंक है, जे सोशल डॉट सी एस एस का लिंक है जो कि यह दिया हुआ है यहाँ पे मेरे एरो पे अगर आप देखें तो, ठीक है। और ये जो थीम है, इसके बहुत सारे थीम भी है कि किस तरह से आपको आइकन्स लाने हैं, उसके बहुत सारे थीम भी है, तो ये आप जब डेमो देखेंगे तो उसके अंदर होगा कि किस तरह का थीम है। जैसे ये जो है अभी ये वाला इसका अलग डिजाइन है, जैसे ये आइकन का है, ये राउंड आइकन का है और इस तरह का बटन के साथ लेबल है। इवन आप पॉपअप में खोलना चाहते हो, जैसे कोई ट्वीट कर रहा है आपको तो ये पॉपअप में खुलना चाह रहे हो तो पॉपअप में ट्विटर खुल जाएगा और कोई भी बंदा ये आपकी पेज के लिंक को ट्वीट कर सकता है। ये खासकर तब यूजफुल होता है जब, देखो इसमें क्या है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो पॉपअप नहीं है, इसमें ट्विटर पे चला जाता है यूजर, पर इसमें आपकी वेबसाइट पे ही रहेगा बंदा, आपकी वेबसाइट पे ही रहेगा और बस एक जस्ट पॉपअप खुल जाएगा, तो ये ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। तो इसको भी आप यूज कर सकते हो, सबका कोड दिया हुआ है
एक बार मैं एक डेमो बता देता हूँ कि कैसे अपने को यूज करना है इसको। तो ये अपनी वेबसाइट है, तो सबसे पहले काम करते हैं फॉन्ट ऑसम का जो है सीएसएस वो लगा लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक काम करते हैं फॉन्ट ऑसम का देखता हूँ मैं, फॉन्ट ऑसम सीएसएस का सीडीएन यूज करना है मेरे को। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे गया और यहाँ से सीडीएन इनका लिंक कॉपी कर लेता हूँ। सीडीएन बेसिकली क्या होता है, वो जो सीएसएस फाइल है उसको आपको डाउनलोड नहीं करना है, जस्ट उनका जो यूआरएल है मतलब किसी और ने अपने फाइल पे डाल रखा है अपने सर्वर पे, उसको आपको जस्ट लिंकिंग करनी है उसकी। तो ये जो है फॉन्ट ऑसम का सीडीएन का लिंक खुल गया है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसका जो सीएसएस वाला फाइल है वो कॉपी कर लेता हूँ अपने इस वाले में। तो ये मेरा फॉन्ट ऑसम डॉट सीएसएस जो इनका लिंक दिया हुआ है उसको हटा के मैंने अपना वाला ये सीडीएन पेस्ट कर दिया है। ठीक है, सीडीएन वाला जो लिंक है वो पेस्ट कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद जो है अब ये क्या बोल रहा है बंदा कि देखते जाते हैं क्या क्या बोला। उसके बाद देखो पहले तो jsocials.css लगाना है अपने को। ठीक है, तो ये तो लग गया है हमारे पास jsocial.css और ये फाइल भी है हमारे पास जो डाउनलोड हुई है। ठीक है, उसके बाद ये jquery.js लगाना है अपने को। ठीक है, और प्लगइन स्क्रिप्ट jsocial.min.js। ठीक है, तो ये तो दिया हुआ है इनका, अगर आप ये देखें ये लिंक में ये पूरा का पूरा दिया हुआ है। एक काम करता हूँ मैं पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे गया मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, जैसे ही कॉपी करता हूँ तो इस जगह पे कुछ आना चाहिए, लेकिन jQuery वगैरह का लिंक तो है नहीं अपने पास तो ये आएगा नहीं। ठीक है, तो हम सबसे पहले jQuery का भी सीडीएन यूज कर लेता हूँ मैं। jQuery सीडीएन, दो चीज हमें एक्स्ट्रा लगानी पड़ी है, थर्ड पार्टी की चीज है ये, ज्यादा बड़ा वो नहीं है गाइस, है ना। एक तो हमें क्या फॉन्ट ऑसम का सीडीएन लगाना है और एक ये jQuery का। बाकी जो दो फाइल है, एक ये सोशल मीन डॉट जेएस और एक सोशल डॉट जेएस, ये दोनों है यहाँ पे। देखो ये सोशल मीन डॉट जेएस दिया हुआ है और ये सोशल डॉट सीएसएस दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये दोनों है हमें। तो बेसिकली टोटल चार फाइल है और ये थीम है। थीम तो ऐसा है कि इसको नहीं भी यूज करोगे तो चल जाएगा। एक काम करता हूँ कि मैं मिनिफाइड वर्जन जो है jQuery का 3 point something चल रहा है अभी, तो उसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने jQuery मेन डॉट जेस लगा दिया, तो सेव किया मैं और यहाँ पे गया मैं अपने सोशल शेयर पे। और गाइस सबसे खास बात यहाँ पे ये है, ये पूरा का पूरा आ गया है हमारे पास बटन, इसको हम लोग अभी कस्टमाइज करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर आइकन्स क्यों नहीं आए हैं। तो आइकन्स के लिए बेसिकली दो फाइल हमें लगानी है फॉन्ट ऑसम के, जो है यहाँ पे फॉन्ट ऑसम मैंने मिनिम डॉट सी एस एस लगाया। एक काम करता हूँ मैं रेगुलर जो इसका वेरिएंट है फॉन्ट ऑसम का वो भी लगा लेता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना प्लगइन है इनको नहीं पता भी। अब देखो अभी भी इसके अंदर आया नहीं। एक काम करता हूँ इसके अंदर सॉलिड वाला लगाता हूँ, एक बार देखते हैं कि सॉलिड वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसको मैंने सेव किया, अभी सॉलिड वाला भी नहीं आया क्योंकि इसके अंदर जो आइकन्स है वो दिक्कत कर रहे हैं। पुराना फॉन्ट ऑसम एक बार लगाता हूँ, W3 Schools पे पुराना फॉन्ट ऑसम का पुराना वर्जन है, एक बार 6 point यहाँ से भी मिल जाएगा अपने को। चलो एक काम करता हूँ मैं 4.4 ये वाला यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो फॉन्ट ऑसम मिन डॉट सी एस एस ये 4 वाला वर्जन है, इन तीनों को हटा देता हूँ मैं और ये लगा लेता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखो गाइज अब यहाँ पे ये आ चुका है, बहुत ही शानदार चीज अपना। एक्चुअली नए वर्जन के हिसाब से ये प्लगइन बना नहीं हुआ है, पर ये आपको दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, ये यहाँ पे अब हम ये देखते हैं कि इस प्लगइन को थोड़ा कस्टमाइज कैसे करें। वेबसाइट में ये सारी चीजें लग जाएंगी, पर मेरे को ये वाला शेयर नहीं रखना है, गूगल प्लस भी नहीं रखना है और ये वाला ईमेल भी नहीं रखना है, तो हम मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। मुझे सिर्फ ट्विटर, फेसबुक और लिंक्डइन रखना है। ठीक है, ये और व्हाट्सएप रखना है। व्हाट्सएप, चलो व्हाट्सएप रख लिया मैंने, गूगल प्लस हटा देना है मुझे और ट्विटर फेसबुक रखना है, ईमेल नहीं रखना है मुझे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये प्लगइन को कस्टमाइज कर लिया, तो अब मेरे पास ये तीन ही है। ठीक है, तो ट्वीट, लाइक, शेयर, ये व्हाट्सएप, ये सब है। अच्छा, एक चीज और इसके अंदर दिया हुआ है, इसके अंदर यूज करेंगे, डेमो के अंदर दिया हुआ है, ये डेमो है। अब मेरे को सिर्फ अगर आइकन्स आइकन्स रखने, तो शो लेबल फॉल्स करके आता है इसका,
वो पैरामीटर डाल देंगे तो ये सिर्फ लेबल को हटा देगा, खाली आइकन रहेगा इसके अंदर। तो अगर वेबसाइट में खाली आइकन्स रखना है आपको तो ये लगा सकते हो। अभी जैसे मैं फेसबुक पे क्लिक करूंगा तो ये फेसबुक खुल जाएगा हमारा, और हमारी जो डिफॉल्ट वेबसाइट की जिस भी पेज पे ये रहेगा ना अपना आइकन, जैसे हमारा आइकन तो अभी लोकल होस्ट पे पड़ा हुआ था ये वाला यूआरएल पे, ठीक है, तो ये वाला यूआरएल ही इसके अंदर शेयर हो जाएगा। तो ये बहुत ही शानदार प्लगइन है, इसको आप अपने वेबसाइट में यूज करना, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लगइन है, इसको आप जरूर यूज करना। तो इस तरह से ये है। एक बार फाइनली मैं समझा देता हूँ कि अपने को करना क्या क्या है, ठीक है। एक तो फॉन्ट ऑसम का लगाना है, ये क्या कर रहा है आपको पता है, ये आइकन्स ला रहा है, और इसका तो सीएसएस फाइल है, ये थीम है, फ्लैट वाला थीम है, तो वो आप डाल सकते हो, ठीक है। दूसरा एक जेक्वेरी लगाना है, जेक्वेरी का ही प्लगइन है, तो जेक्वेरी मस्ट है, इसके अंदर मैंडेटरी है। तीसरा ये है कि जे सोशल मीन डॉट जे जो प्लगइन का खुद का जावास्क्रिप्ट फाइल है वो लगाना है, और ये वाला पीसीसी के साथ रख लोगे तो वो उसके आ जाएगा। जैसे ये इसका यूज कहाँ है, ये डिवीजन बाय डिफॉल्ट देना है, जहां पे भी ये डिव दोगे आप वहां पे वो ये सारी चीजें आ जाएंगी, ये चारों पांचों उठ के आ जाएंगी, है ना। और इसको अगर मेरे को कस्टमाइज करना है तो इसके बहुत सारे ऑप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप जाके बहुत कुछ करना नहीं अपने को, जैसे अब राउंड आइकन डालना अपने को, तो एक काम करता हूँ मैं इसके अंदर ये स्टाइल डालना है मुझे और ये राउंड हो जाएगा, देखो इसके अंदर मैंने स्टाइल डाला, ठीक है। राउंड के लिए सी एस एस 50% करते हैं रेडियो, देखो गाइस जब ये राउंड आ गए सारे बटन, तो इसके अंदर अपन ने कुछ किया ही नहीं है, बस इसका यूज कर रहे, बहुत सिंपल है इसका यूज करना। ये आप करिए वेबसाइट पे बहुत ही ज्यादा, और ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिएगा चैनल को और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ताकि इस तरह के इम्पोर्टेंट प्लगइन्स, इम्पोर्टेंट वीडियो जो है आपके पास आते रहे। थैंक यू गाइस।